हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल बुक क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 16, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा बिलोंग करेगा जिसमें हमें प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 हमें कह रहा है, ऑन 1st अगस्त 2010 हिंदुस्तान टॉयल लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹12 लाख। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस एंड द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ऑन 1st जुलाई 2012 अ पार्ट ऑफ दिस प्लांट ऑफ विच द ओरिजिनल कॉस्ट वाज ₹1,80,000 वाज सोल्ड फॉर ₹1 लाख एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू प्लांट वाज परचेज फॉर ₹4 लाख। शो प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1st अगस्त 2010 को हिंदुस्तान टॉय लिमिटेड ने प्लांट परचेज किया जो कि ₹12 लाख था। यहाँ तक पढ़ के तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एक प्लांट परचेज किया ₹12 लाख का। द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% है पर एनम पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का हमें यूज करना है और जो अकाउंट है ना वो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च ईच ईयर। 1st जुलाई 2012 को एक प्लांट मशीन एक पार्ट प्लांट का क्या करा गया, बेच दिया गया, जिसकी कॉस्ट 1,80,000 रुपए की थी उसको 1 लाख में बेच दिया गया और सेम डेट पे ही एक न्यू प्लांट परचेज किया गया 4 लाख रुपए का। आपको प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाने हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013 तक आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे हम प्लांट अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट आपको मेरे स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने बनाया कि इसलिए इसको समझना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने इसलिए बनाया है कि अब जो भी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। हम प्लांट अकाउंट में कोई भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट हाँ जब हमें हम उस डेट पे पहुंच जाएंगे, उस ईयर में पहुंच जाएंगे जहाँ पे एक पार्ट के एक मशीन एक प्लांट के पार्ट को बेच दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा डेप्रिसिएशन ट्रांसफर कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से प्लांट अकाउंट में। अब यहाँ पे आपको बात भी ये समझनी है कि यहाँ पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज होगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब आपको हर बार क्या से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन अकाउंट में, प्रीवियस ईयर पे जितना भी डेप्रिसिएशन लगा होगा उसको आपको उसके ओरिजिनल कॉस्ट में माइनस करके जो अमाउंट आएगा उस पे आपको फिर नेक्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन लगाना होगा। हो सकता है कि अभी आपको मेरी बात समझ ना आ रही हो, बट हम जिस तरीके से सोल्यूशन को करेंगे आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा और आपको पूरा एक्सप्लेन भी हो जाएगा, आपको पूरा समझ भी आ जाएगा। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लांट अकाउंट लिख के टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले आपको टू 1st अगस्त 2010 ईयर नोट डाउन करना है क्योंकि यही हमें गिवन है। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट नोट कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे हालांकि पहली लाइन पढ़ के तो ये पता चल रहा है कि एक प्लांट परचेज किया गया 12 लाख का, बट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में पता चल गया ना कि उसी प्लांट का एक पार्ट बेचा गया जो कि 1,80,000 रुपए का था, 1 लाख में बेचा गया। तो यहाँ पे हम इस प्लांट को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लांट वन एंड प्लांट टू। प्लांट वन में हम लिखेंगे जो उसकी कॉस्ट हमें बता रखी है 1,80,000 और प्लांट टू की कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि 12 लाख का था, 12 लाख में से 1,80,000 तो प्लांट वन हो गया, तो प्लांट टू की कॉस्ट हो जाएगी 10,20,000 और अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 12 लाख रुपीज। इसके बाद आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का आपको यूज करना है। यहाँ मेंशन कीजिए 31 मार्च 2011 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट वन और प्लांट टू पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दोनों पे आपको 8 मंथ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्यों 8 मंथ पे करना है, क्योंकि 1st अगस्त पे लेके 31 मार्च तक 8 मंथ ही होते हैं। तो जब आप 1,80,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 8/12 करेंगे तो प्लांट वन पे डेप्रिसिएशन 12,000 कैलकुलेट होगा और प्लांट टू पे डेप्रिसिएशन 68,000 रुपीज कैलकुलेट होगा। जब आप 10,20,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 8/12 करेंगे, ये टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका, प्लस करना होगा आपको, तो टोटल डेप्रिसिएशन प्लस करके आपका 80,000 होगा। सेम आपको 31 मार्च 2011 करके टू बैलेंस कैरी डाउन करना है 80,000 रुपीज का। यहाँ पे आपके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब आपको प्लांट अकाउंट में क्या करना है, प्लांट अकाउंट में आपको सिर्फ डेट चेंज करनी है, यहाँ पे 31 मार्च 2011 करना होगा। यहाँ पे आपको बाय बैलेंस कैरी डाउन करके सेम जो अमाउंट लिखा हुआ ना प्लांट वन और प्लांट टू का, ये सेम अमाउंट आपको कैरी डाउन कर देना है 1,80,000
प्लांट वन पे और 10,20,000 प्लांट टू में, टोटल अमाउंट हो जाएगा 12 लाख का। और यहाँ पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया, क्योंकि जो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट होगा। यहाँ पे तो आपको प्लांट की वैल्यू आपको सेम ही दिखानी है डेबिट और क्रेडिट साइड, तब तक सेम दिखानी है जब तक हम उस ईयर में नहीं पहुंच जाते जहाँ पे मशीनरी को क्या, जहाँ पे प्लांट को क्या करा गया, बेचा गया है। अब देखिए जहाँ पे प्लांट अकाउंट में जो कैरी डाउन हुआ है ना अमाउंट, उसको आपको ब्रोट डाउन करना है। 1 अप्रैल 2011 लिख के टू बैलेंस ब्रोट डाउन कीजिएगा। प्लांट वन और प्लांट टू है, प्लांट वन में आएगा 1,80,000, प्लांट टू में आएगा 10,20,000, टोटल अमाउंट में आ जाएगा 12 लाख रुपीज। सेम इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है उससे आपको ब्रोट डाउन करना होगा। तो 1 अप्रैल 2011 लिख के बाय बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के 80,000 को आपको मेंशन करना है। फिर से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो आप समझिएगा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। आपके पास डेप्रिसिएशन 1,80,000 10,20,000 पे कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है ना कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का यूज करना है। तो 1,80,000 में से आप 12,000 माइनस करेंगे तो ये आपका 1,68,000 होगा, जिस पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10,000। तो 1,68,000 पे जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा 31 मार्च 2012, ईयर चेंज करना होगा आपको, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के प्लांट वन प्लांट टू। यहाँ पे आपका जो पहली मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होगा वो 16,800 रुपीज होगा। क्यों होगा? अभी मैंने बताया 1,80,000 में से माइनस कीजिएगा 12,000, तो 1,68,000 होगा, जिसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो 16,800 आएगा। यहाँ पे कोई मंथ कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा एक साल होता है। आप सेम इसी तरीके से प्लांट सेकंड प्लांट पे भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो 10,20,000 में से 68,000 को माइनस कीजिएगा, ये आपका माइनस करने पे आएगा 9,52,000। इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का, तो ये आपका आएगा 95,200। 10% के डेप्रिसिएशन लगाने पे आपके पास 95,200 आएगा। यहाँ पे भी कोई ईयर कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल होता है। प्लस करके आपके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 1,12,000 रुपीज। यहाँ पे क्या हुआ, आप टोटल करेंगे आपके टोटल हो जाएगा 1,92,000 रुपीज। इसके बाद सेम आपको डेट मेंशन करनी है 31 मार्च 2012 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहाँ पे 1,92,000 तो आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या कर देनी है, इक्वल कर देनी है। अब जो बैलेंस आपने यहाँ पे कैरी डाउन किया है प्लांट अकाउंट में, इसको आपको 31 मार्च 2012 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन करके प्लांट वन प्लांट टू लिख के 1,80,000 को डेबिट प्लांट वन में मेंशन करना है, और 10,20,000 को प्लांट टू में मेंशन करना है। 12 लाख आपका अमाउंट ही कॉलम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी प्लांट अकाउंट में। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम प्लांट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके प्लांट वन और प्लांट टू की अभी क्या वैल्यू है सेकेंड ईयर एंड होने के बाद। देखिए जो फर्स्ट प्लांट है उसकी वैल्यू अभी रहेगी 1,51,200। दो डेप्रिसिएशन जो आपने कैलकुलेट किए थे प्लांट वन के फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, वो आपको माइनस करने होंगे 12,000 और 16,800। और जो प्लांट सेकंड है उसके जो कॉस्ट है वो है 8,56,800, जब आपने 68,000 और 95,200 को माइनस किया होगा 10,20,000 रुपीज में से। ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे का इससे आगे का सोल्यूशन कर पाएंगे। अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी होगी अगर आपको ये नहीं पता होगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि दो ईयर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हमें तीन ईयर के लिए बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और थर्ड ईयर का हम बनाएंगे। अब देखिए जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है इसे आपको नेक्स्ट ईयर के लिए 1 अप्रैल 2012 के लिए ब्रो डाउन कर देना है। सेम इसी तरीके से जो ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ये भी ब्रो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्लांट अकाउंट में तो ब्रो डाउन कर दिया, अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 अप्रैल 2012 लिख के बाय बैलेंस ब्रो डाउन करके मेंशन कर देते हैं 1,92,000। अब सेम आपको क्या करना है इसको समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि 1 जुलाई 2012 में पहुंच गए हम, और 1 जुलाई को क्या हुआ है कि एक पार्ट मशीनरी का जो कि 1,80,000 का था, मतलब कि प्लांट वन की हम बात कर रहे हैं, बेच दिया गया 1 लाख में। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट कर लें कि भाई, क्योंकि अप्रैल से लेके हमने उसको यूज किया है 1 जुलाई तक, तो 3 मंथ तो हमने यूज करा है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट कीजिएगा, तो 1,51,200, ये मैंने आपको तभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि 1,51,200 है फर्स्ट प्लांट की क्या कॉस्ट। तो 1,51,200 पे आप कैलकुलेट करेंगे क्या, 10/100 × 3/12 जब आप करेंगे तो प्लांट वन के जो आपके पास डेप्रिसिएशन आएगा वो 3,780 रुपीज आएगा।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर जगह पे आया कैसे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप 151,200 में से 151,200 का 10% कैलकुलेट करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई आपको 3/12 भी करना होगा, क्योंकि 3 मंथ के लिए हमने इस मशीन को यूज किया, तो डेप्रिसिएशन 3,780 आया होगा। अब यहाँ आपको डेबिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब जब आपको ये पता चल गया कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, तो आपको सेम डेबिट साइड मेंशन करना है 1 जुलाई 2012, क्योंकि ये डेट पे मशीन प्लांट को बेचा गया है। यहाँ पे टू प्लांट अकाउंट लिख के देखिए प्रीवियस तीनों ईयर का, 3 ईयर कौन की बात कर रहा हूँ मैं 3 ईयर बात कर रहा हूँ, 2010, 2011, 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रीवियस 3 ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन प्लांट वन पे लगा होगा ना, वो आपको प्लस करना है। तो पहले साल में 12,000 लगा था, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12,000 हमने माइनस किया। दूसरे साल में 16,800 लगा था प्लांट वन पे, तो 16,800 हमने माइनस किया। और यहाँ पे 3,780 लगा था थर्ड ईयर पे, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। इन तीनों को प्लस कर देना है तो हमें पता चलेगा कि 32,580 रुपीज का अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है प्लांट वन पे। प्लांट वन पर पूरा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेल्प से कैलकुलेट किया। आप प्रीवियस स्लाइड में जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि प्लांट वन में कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा था कौन कौन से ईयर पे। तो यहाँ पे आपको ये अमाउंट को ट्रांसफर कर देना है प्लांट अकाउंट में, 1 जुलाई 2012 लिख के मेंशन कीजिए, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 32,580 रुपीज को मेंशन कीजिएगा। फिर मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज आ जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपीज का क्या था, 1 लाख रुपीज में मशीनरी प्लांट को बेचा गया था, एक जो पार्ट का एक प्लांट का जो पार्ट था उसे 1 लाख रुपीज में बेचा गया था। अब हमें क्या पता चल जाएगा, अब हमें इजिली पता चल जाएगा कि प्लांट को बेचने पर लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। आप इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 1 लाख और 32,580 को, और 1,80,000 में से माइनस जब करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लॉस हुआ है हमें प्लांट को बेचने पे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके मेंशन कीजिएगा 47,420, ये माइनस करने पे 47,420 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद 1 जुलाई को एक नई मशीनरी परचेज की गई है, मेंशन है ना कि सेम डेट पे एक नया प्लांट परचेज किया गया, तो प्लांट 3 नाम दे दिया मैंने इसको, टू बैंक अकाउंट लिख के 4 लाख मेंशन कीजिएगा। सेम अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैलकुलेट करना है, तो 31 मार्च 2030 लिखिएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लांट नंबर 2 और प्लांट नंबर 3 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए। प्लांट नंबर 2 में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो होगा 85,680 रुपीज का। यहाँ पे पूरे साल के लिए कैलकुलेट हुआ है, पूरे साल के लिए कैलकुलेट हुआ, तो 88,56,800 पे आपने कैलकुलेट किया। ये बात आप याद रखिएगा कि 88,56,800 थी सेकंड मशीनरी की वैल्यू, इस पे आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 10%, तभी आपका 85,680 आया। और प्लांट नंबर 2 में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है 9 मंथ के लिए कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, तो 4 लाख मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 9/12 करेंगे तो 30,000 आएगा, प्लस करके 1,15,680 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 3,11,460, तो इसको मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2018 लिख के, 32,580 को माइनस कीजिएगा 3,11,460 में, तो ये टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपका पैसा आएगा 2,78,680। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको प्लांट नंबर प्लांट वन का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि उसे तो बेच के हमें लॉस हो गया। यहाँ पे प्लांट सेकंड और प्लांट थ्री की बात है, तो 31 मार्च 2030 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन प्लांट सेकंड और प्लांट थर्ड की वैल्यू आप सेम टू सेम नोट कर दीजिए। प्लांट सेकंड की वैल्यू है 10,20,000 रुपीज और प्लांट थ्री की वैल्यू है 4 लाख रुपीज, तो ये मेंशन करके 14,20,000 रुपीज को क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी यहाँ पे भी इक्वल हो जाएगी, 16 लाख डेबिट साइड आएगा, 16 लाख क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।